गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी दीपू ऑफिशियल। तो फिर से एक रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए। तो वो रेसिपी का नाम है खीर, चावल का खीर। वो खीर मैं कैसे बनाती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त खीर बनता है, और वैसा खीर आप लोग तो शायद ही बनाते होंगे, क्योंकि ये खीर आप लोग देख के ही पता कर लोगे कि मतलब ये खीर सही में स्पेशल खीर है, और ये खीर खाने के बाद लगेगा कि राबड़ी खा रहे हैं। तो ये खीर को आप लोग ज़रूर बनाइए और घर पे खाइए और सबको खिलाइए। और ये जो बिंदिया मैं दो लगाई हूँ तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा था तो मंदिर गई थी और बाबू के साथ तो पूजा की थी, इसलिए मैं ये दो बिंदिया लगाई हूँ, साड़ी का मैचिंग लगाई थी। तो आप लोग कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ वैसे। और खीर में क्या क्या डाली हूँ वो मैं बता देती हूँ आप लोग को। 1 kg मिल्क रहेगा, वो आप भैंस का दूध भी ले सकते हो और पैकेट का भी, जो मन जो आपके पास अवेलेबल हो ले सकते हो। और उसमें अपना मतलब जितना मीठा खाते हो उसी के अनुसार अपना चीनी डालना आप लोग डालना। वैसे हम लोग कम मीठा खाते हैं तो मैं 1 कटोरी चीनी डालूँगी और 100 ग्राम चावल और 1 kg दूध और ड्राई फ्रूट्स जो है आपके पास आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या है ना कि जो चावल है उसको चुन के धो के सुखा के और उसको ग्राइंडर कर लेंगे, पीस लेंगे। पीसने के बाद कच्चे दूध में और कच्चे चावल को दोनों को चलाते रहेंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि वो मतलब चिपके नहीं। कढ़ाई में साइड में खोआ को भूनेंगे, जब तक लाल नहीं हो जाए, और देखेंगे कि पूरा रेड हो गया और अच्छी तरह से भून गया खोआ, तो वो खीर में डाल देंगे। फिर ये खीर आप तो कभी नहीं खाएंगे सच में यार, खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग प्लीज़ घर पे बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं और कमेंट करके बताएं कि ये खीर कैसा बना है। तो ये 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी है और ये चावल को पीस लिए हैं जैसे कि मैंने कहा था, और ये खोआ है, खोआ को मैंने भून के और पीस लिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स है जो कि घी में रोस्ट करना है। दूध को ये डालेंगे छान के, अच्छी तरह से छान के डालेंगे 1 kg दूध। 1 kg दूध को डालेंगे और अच्छी तरह से इसको पहले मिला लेंगे। ये रहा चावल, आप लोग देख सकते हैं ये चावल को पीस लिए हैं, इसको अच्छी तरह से धो के सुखा के और ये चावल डालेंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो ये रहा आलमंड और काजू, दोनों को अच्छी तरह से भून लेंगे हल्का घी में। किशमिश डालेंगे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है, ये फूल जाता है, सॉरी आप लोग देख सकते हैं। तो जो आलमंड है इसको काट लेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा काट लेंगे। गाइस गर्म है इसीलिए थोड़ा सा काटने में प्रॉब्लम हो रही है, ओह माय गॉड सच में। तो ये ड्राई फ्रूट्स को मैंने रोस्ट करके और अच्छी तरह से आलमंड को काट लिया है छोटा छोटा टुकड़ा। तो ये आप लोग देख सकते हैं चला चला के, मतलब इतना देर से मैं इसको पका रही हूँ। तो ये पक चुका है चावल,
आप लोग देख सकते हो चावल पक गया है अच्छी तरह से। अब इसमें डालेंगे खोआ। वाओ, जिसकी भी नई शादी होने वाला है, दुल्हन जाने वाली है, तो सबसे पहले खीर ही बनाती है, तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है जो कि आप लोग अपने ससुराल में बना के खिलाओगे। ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस, प्लीज आप लोग घर पे बना के ट्राई कीजिए इसको। ये इलायची है, खीर बनने के बाद डालेंगे क्योंकि इसका जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। खीर बनने के बाद डाला जाता है चीनी, तो चीनी लास्ट में मैं डालूंगी। इसको अच्छी तरह से चला देंगे कि कैसा खीर बना है। खीर बन के रेडी है, बहुत ही स्वादिष्ट खीर। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और बना के खाइए और कमेंट में बताइए कैसा लगा ये रेसिपी। कैसा ऐसी खीर? टेस्टी है ना? सच में बोल रही है कि ऐसे ही खाने में कैसा लग रहा है? थैंक यू। कैसा बना है खीर? बहुत ही टेस्टी, बहुत बहुत शानदार। सच में झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? थैंक यू।